भाजपा ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बैठक के लिए समय मांगा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने 12 मई को वर्चुअल बैठक का समय है। इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस वर्चुअल बैठक का बहिष्कार करते हुए कहा कि सरकार को आमने सामने की बैठक में दिक्कत क्या है, हम तो इस महामारी में सरकार का सहयोग करने हेतु मिलने के लिए समय मांगे थे। उन्होंने भूपेश सरकार को देश का सबसे डरपोक सरकार करार देते हुए कहा कि विपक्ष जब मिलने का समय मांग रहा है तो इसमें डरने की क्या बात है, वर्चुअल बैठक से दिक्कत क्या है, भाजपा भी तो वर्चुअल बैठक करती है। इस पर अग्रवाल ने कहा कि जब बड़ी बैठक होती है तो वर्चुअल बैठक की आवश्यकता होती है, 5 से 10 लोगों में वर्चुअल बैठक की आवश्यकता नहीं है। वहीं धान के सड़ने पर उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। ये विपक्ष का अपमान है, आप 12 तारीख की मीटिंग में तो जाएंगे नहीं, वर्चुअल मीटिंग से दिक्कत क्या है, आमने सामने की मीटिंग से दिक्कत क्या है? अगर प्रतिपक्ष के लोग 5 लोग जाकर आमने सामने बात करना चाहते हैं, वर्चुअल मीटिंग में पूरी बातचीत नहीं हो पाती, कभी लिंक मिलती है कभी नहीं मिलती, पूरी बातें सामने नहीं रख पाती है। हम तो सरकार को सहयोग करने के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के 18 से 45 साल के लोगों में जो एक पैनिक हो गया उसको दूर करने के लिए, सरकार को सुझाव देने के लिए और सरकार से जानकारी लेने के लिए जाना चाहते थे। मुझे लगता पूरे देश में इस प्रकार का डरपोक सरकार जो विपक्ष से मिलने में डरती है, अगर विपक्ष ने समय मांगा तो मेरा तो कहना है 2 घंटे के अंदर समय देना चाहिए था, 4 दिन के बाद समय क्यों दे रहे हैं? 4 दिन का तो समय बहुत लंबा है, ऐसे पैनिक के समय पर तो तुरंत समय देना चाहिए। ये सरकार पूरी तरह का निर्लज्ज हो गई है, इस सरकार को घर घर वैक्सीनेशन की बजाय घर घर शराब पहुंचाने की चिंता है, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार का इनको फायदा है और इसमें उसकी चिंता ये कर रहे हैं। और ऐसी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। और हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के मामले में जो बीपीएल और बाकी जो वैक्सीनेशन का सेंटर है वो खाली पड़े हुए हैं और एपीएल के लोगों पर लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर वैक्सीनेशन होना चाहिए और छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ में खिलवाड़ बंद होना चाहिए। ये जो शराब है ये कि वो वर्चुअल माध्यम से बीजेपी भी कर रही है, तो वर्चुअल बैठक से जहां पर ज्यादा भीड़ है वहां पर वर्चुअल बैठक होती है। जब टोटल मिला के मुख्यमंत्री जी के साथ 2 या 3 अधिकारी रहेंगे, हम लोग 5 लोग रहेंगे, तो 10 लोगों की बैठक के लिए वर्चुअल आवश्यक नहीं है। हम लोग जब 5 लोग बैठते हैं तो हम आमने सामने बैठते हैं, हम 10 लोग बैठते तो आमने सामने बैठते हैं, जब बड़ी बैठक होती तब वर्चुअल करते हैं। और जो आमने सामने की बैठक में जितनी वास्तविक चर्चा हो सकती है वो वर्चुअल में नहीं हो सकती। और विपक्ष देश की सबसे बड़ी पार्टी और छत्तीसगढ़ का प्रमुख विपक्षी दल अगर आपसे बात करना चाहता है तो आप उसको टाल रहे हो और आप उसको 4 दिन बाद का समय देते हो, तो ये तो विपक्ष का अपमान है। सर, ये ऑनलाइन शराब की जो शुरुआत हुई सर, आज पहले ही दिन पोर्टल उनका क्रश हो गया, मतलब इतनी बड़ी तादाद में लोग शराब। हमारे तो कहना है ये पोर्टल हमेशा के लिए क्रश हो जाना चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग अक्सर आ रही कि नुकसान हुआ है धान का। देखिए, लाखों टन धान पिछले साल का भी सड़ गया, इस साल भी सरकार की लापरवाही के कारण लाखों टन धान सड़ गया है। हम तो चाहेंगे कि किसानों को इसका मुआवजा मिलना चाहिए और इस धान को सड़ने के लिए जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए।